देखिए, पिछली वीडियो में हमने इसका आधा भाग पढ़ लिया था। अब हमारी आधी पोयम है, रिस्क पोयम पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा, हंसने में मूर्ख समझे जाने का जोखिम था, रोने में सेंटिमेंटल होने का जोखिम था, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए जाएंगे तो उसमें लिप्त होने का जोखिम है, हमारे आइडियाज हमारे विचारों को अगर हम भीड़ के सामने रखेंगे तो उसमें भी जोखिम है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसके उजागर होने का जोखिम रहता है। अगर हम हमारे जो विचार हैं उनको अगर भीड़ के सामने रखेंगे तो भी उसमें जोखिम है, प्रेम करने में जोखिम है, जीवन को जीने में भी जोखिम है, आशा करने में निराशा का डर है। तो कवि ने कहा जब इतनी सारी चीजों में जोखिम है तो हमें जोखिम उठा लेना चाहिए। देखिए कह रहा है, द पर्सन व्यक्ति हु मानी जोखिम, रिस्क मानी जोखिम, नथिंग मानी नहीं उठाता है। वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है या वह व्यक्ति जो जोखिम अपने जीवन में नहीं उठाता है, डज नथिंग, डज मानी होता है करना, वह कुछ नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति जो जोखिम ही नहीं उठाता है तो कुछ भी नहीं करेगा। मान लीजिए आप 10th क्लास में आ गए, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल से आपको वर्क मिल रहा है, अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वह कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, हैज माने होता है रखना, वह अपने पास कुछ नहीं रख सकता है। पढ़ेगा तो ज्ञान रखेगा, काम करने के लिए जाएगा तो पैसा रखेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, बट वह कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं रहता है। एंड बीकम्स नथिंग, बीकम माने होता है बनना, और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बनता है। तो वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग कुछ नहीं रखता है, एंड बीकम्स नथिंग कुछ भी नहीं बनता है। कवि ने यहाँ दे शब्द का प्रयोग किया है उन व्यक्तियों के लिए जो रिस्क नहीं उठाते हैं, द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाते हैं उनके लिए यहाँ दे वर्ड का यूज किया है। दे में अवॉइड, अवॉइड माने होता है बचना, वे बच सकते हैं सफरिंग वाली पीड़ाओं से। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते हैं वो पीड़ाओं से बच सकते हैं, एंड सोरो और दुखों से बच सकते हैं, उनके पीड़ा नहीं आएगी, उनको दुख नहीं होगा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी किसी प्रकार की। कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो जोखिम नहीं उठाएंगे, वो दुख और पीड़ाओं से बच जाएंगे। बट लेकिन दे मीन्स वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते हैं, कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज बदल नहीं सकते, ग्रो बढ़ नहीं सकते आगे, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव और अपना जीवन भी नहीं जी सकते, इन चीजों को नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है वो क्या क्या चीजों से बच सकता है। तो कह रहा है कि वे सफरिंग और पीड़ाओं से बच जाएगा, लेकिन क्या नहीं सीख पाएंगे, वो लर्न नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, चेंज अपने आप को बदल नहीं कर पाएंगे, ग्रो प्रगति नहीं कर पाएंगे, लव प्रेम नहीं कर पाएंगे, लिव और अपना जीवन भी नहीं जी सकेंगे। चेंड, चेन का मतलब झंझीर, वो व्यक्ति झंझीरों में जकड़ गए हैं, झंझीरों में बंध गए हैं, उन्होंने तय कर लिया हमें इतना ही वर्क करना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है। बाय दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितता, वे अपनी निश्चितताओं में बंध गए हैं, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम बन गए हैं, अपने आप के गुलाम हो गए हैं वो। चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितताओं में बंध गए हैं, दे आर स्लेव, वो व्यक्ति गुलाम हो गए हैं। They have forfeited, माने समाप्त कर देना, खो देना, उन्होंने समाप्त कर दिया है their freedom, उनकी स्वतंत्रता, उन व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है जो जंजीरों में जकड़ गए हैं, जो गुलाम बन गए हैं, जो जोखिम नहीं उठाते हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है। ओनली ए पर्सन, लास्ट लाइन इस पूरी कविता का निचोड़ है, पूरा सार है। कवि कहता है ओनली, केवल, मात्र, ए पर्सन, एक व्यक्ति माने जो कि रिस्क माने जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है अपने जीवन में, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है, वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये मैंने आपको पहली पोयम पढ़ा दी, इसके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस मैं आपको पीडीएफ रूप में पहले दे चुका हूं, अगर किसी को नहीं मिले हैं तो मुझसे दोबारा से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो सेकेंड पोयम रहेगी, ठीक है? Thanks.